गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई नेम इज़ मनीष। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोएम फ्रॉम हनी सर्कल क्लास सिक्स बुक। सो टूडे द चैप्टर इज़ द काइट। जो आज हमारा चैप्टर है, पोएम जो है, जिसका नाम है द काइट। सभी लोग जानते हैं काइट का मतलब क्या होता है, पतंग। सभी लोगों ने बचपन में उड़ाया भी है। तो आज जानेंगे इस पोएम में जो हमारे पोएट है हैरी बैन, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, ऊपर में कुछ ब्रीफ में दिया है, देखते हैं क्या है वो, उसके बारे में जान लेते हैं। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। सही बात है, हम सभी क्या है कि यहाँ पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई वन। क्या आपने कभी एक पतंग को उड़ाया है। रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एट इट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। और इस पोएम को हमें पढ़ना है, ठीक है, और जानना है हमें कि हाँ आसमान में कैसे पतंग जो है उड़ता है, ठीक है। तो आज ये जो पोएट्री है, ये जो पोएम है, आज इसी के बारे में है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वेन इट्स न्यू। अब ये कह रहा है कि कितना मतलब आसमान में, यहाँ ब्लू का मतलब होता है आसमान, क्योंकि आसमान नीला होता है, यानी चमकीले आसमान में, ठीक है। मतलब क्या आपने कभी एक मतलब काइट को लिया है, एक नए पतंग को, कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लगता है। आप नया पतंग लेना, उसको देखना कितना अच्छा लगता है, वो भले ही कुछ दिन हो जाए वो बेकार लगने लगता है, लेकिन जब नया रहता है तो कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पोएट ने यही बताया है। विद द डाइव एंड द डिप इट स्नैप्स इट टेल। अब कह रहा है कि ये जो डाइव करता है, गोते लगाता रहता है हवा में, देखेंगे ऐसे लहराएगा, ऐसे लहराएगा, और डिप कब करेगा, जब हवा कम हो जाता है तो लगता है मुंडराने, नीचे की तरफ आने लगता है। आप लोग ये चीज़ देखे होंगे, उड़ाए होंगे पतंग तो, ठीक है। इट स्नैप इट्स टेल, और जब भी वो उड़ता है, जितना अच्छा हवा रहता है ना, उतना ही अच्छा पतंग उड़ता है। तो हवा अच्छा है तो उसके जो टेल होते हैं, उसमें हम जो पूंछ वगैरह लगाते हैं, पेपर का कुछ लगा नहीं देते हैं, वो दिखेगा कैसे लहराता है, एकदम सांप के जैसा, स्नेक जैसा, बड़ा मज़ा आता है। देन सोर्स लाइक अ शिप विद ओनली अ सेल। एकदम मतलब शिप को आप देखिएगा, समंदर में अगर आप शिप को देखेंगे कैसे वो चलता है, एकदम लहराता है वो, वेव जैसा, एकदम वेव पे, मतलब जो लहर होती है उसके ऊपर एकदम आर्क टाइप का बनाते हुए एक लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है वो। वैसे ही हवा में जब भी पतंग उड़ता है तैसे ही लहराते रहता है, ठीक है। विद ओनली अ सेल, और यहाँ पे सेल किसको बोला गया है कि हवा में, हवा से ही उड़ता है, हवा का प्रेशर रहता है तो इधर उधर घूमता है, तो उसी को यहाँ पे सेल बोला गया। सेल ज़्यादातर तो शिप में यूज़ किया जाता है, जो कि आप पहले के मतलब याच वगैरह देखेंगे, शिप वगैरह देखेंगे, तो उसमें कपड़ा लगाया जाता था बहुत बड़ा, वो क्या होता था, उस पर जब भी प्रेशर लगता था एयर का, तो वो मदद करता है शिप को आगे बढ़ाने में। आगे देखेंगे, एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। जैसे जैसे मतलब हवा बहेगी, जैसे जैसे हवा चढ़ती है, इसकी लहर बढ़ने लगती है। यानी कहने का मतलब है, जैसे हवा तेज़ होती है वैसे ही देखना उसकी चाल में भी एकदम बहुत बढ़िया से उड़ता है वो। क्लाइम टू द क्रेस्ट ओवर गस्ट एंड पुल्स। सही बात है, जब हवा अच्छी चलेगी तो पूरा ऊपर हवा के झोंकों के साथ एकदम ऊपर चली जाती है, एकदम ठीक है जाएगी, और कभी कभी हमें खींचना भी पड़ता है कब। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा धीरे होने लगती है, आप क्या करते हो, वो मुंडराने लगेगी तो आप बैक लेने लगते हो, चरखी से जो आपका रहता है चरखी, उससे आप बैक लेने लगते हो। व्हेन स्टिंग गोस स्लैक योर विंड इज बैक, ठीक है। और जैसे ही वो हवा कम होती है तो आपका जो स्ट्रिंग होता है उसको आप लपेटना शुरू कर देते हो ना, हवा ख़त्म होती है हम लोग नहीं तो वो गिर जाएगा ना फिर, तो इसके लिए हम चरखी में लपेट लेते हैं उसे। एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोस, और कोशिश करते हैं, कभी कभी देखना हवा रुक जाता है तो कभी दोबारा से आता भी है हवा,
तो हवा इंतज़ार करते हैं कि जब तक हवा अच्छी नहीं आती है, ठीक है, बढ़िया हवा नहीं चलती है, तब तक वो हम लोग उड़ाने की जल्दी नहीं सोचते हैं, ठीक है। एंड इट्स विंग्स फेल एंड अप इट गोस, जैसे ही आप देखेंगे उसमें विंग्स जैसे उड़ने लगता है वो, ठीक है, एकदम ऊपर के, जैसे ही हवा जब चलने लगेगी तब ऊपर की तरफ वो जाना फिर शुरू हो जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप जब भी काइट उड़ाते हैं तो हवा का होना ज़रूरी है, हवा नहीं है तो आप नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट वेन इट्स न्यू, ठीक है, कह रहा है कितना एकदम मतलब चमकीला होगा आसमान में कि जब एक काइट, जब क्या ये पतंग है जो नया है, बट अ रैगर सॉरी बट अ रैगर थिंग यू विल नेवर सी वेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री। और सबसे बुरी बात क्या होती है, सबसे गुस्सा दिलाने वाला क्या होता है, उड़ा रहे अभी या समझ लो किसी टावर में फंस गया या फिर किसी पेड़ में ज़्यादातर अटकता है, वो जाके पेड़ के टहने में जाके अटक गया तो उसमें बड़ा गुस्सा, तो ये सबसे रैग्ड थिंग होता है, किसी टॉप ऑफ मतलब ट्री के सबसे ऊपर जाके फंस वगैरह जाता है, ठीक है, धागे फंस जाते हैं, उसका स्ट्रिंग फंस जाता है, तो काफ़ी दिक्कत है, तो ये इसका सबसे रैग थिंग था। तो ओवरऑल ये जो पोएम था बाबू, ये काइट हम जब भी उड़ाते काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है हम लोगों का काइट उड़ाने का। अब बचपन में हम लोग इसे बहुत मतलब मज़े करके उड़ाते थे, चरखी लेकर एक दूसरे के काटने में लगे, काफ़ी एक्साइटमेंट रहता है, ये बाजी लगती थी कि कौन सबसे ज़्यादा काटा है, वो तो दिखता है ना किसके पतंग से कट रहा है, तो बाजी ऐसे लगती थी कि हाँ ऐसे टाइप से, तो बहुत ही एक मतलब बचपन में ये आदमी ज़्यादातर करता है। व्हेन आई वाज इन 5 और 6 स्टैंडर्ड, तो उस समय हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किया था, सो आई यूज़ टू रिमेंबर दिस, याद आता है वो भी सब, ठीक है, ओके। तो समटाइम्स यही सारा कुछ है, ओके, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, हैव अ ग्रेट डे।